मुझे मिस वारर का ट्रेलर पसंद नहीं आया। अब इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में जाकर डीसी का खोता बोलना चालू कर दो, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई मार्वल हेटर नहीं हूँ। मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ बस। चलो पहले ट्रेलर की अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। तो ट्रेलर की ओपनिंग होती है एक नोटबुक से, जिसमें कमाला खान ने अपनी चित्रकारी कर रखी है, जिससे पता लगता है कि वो स्पेस को कितना ज्यादा एडमायर करती है और उसने एंट मैन को मैन एंट के सामने खड़ा किया है। चलो एटलीस्ट इस बंदे को थोड़ी रिकॉग्निशन तो मिली। साथ में कमाला ने अपने स्कूल वर्क के बारे में भी थोड़ा लिखा है, जैसे कि ऐसे ड्यू डेट उसने 14 से काटकर 16 को कर दी है, और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी उसने लिखा हुआ है जो कि आज है। ये नोटबुक को ज्यादा तो नहीं बताती, पर ये बताती है कि कमाला अपने स्कूल में कम और अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहती है। फिर मार्वल स्टूडियोज की क्लासिक वाली ओपनिंग, जिसमें कॉमिक बुक वाला फील है, जो कि ये बताता है कि इस सीरीज में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कॉमिक बुक्स का। फिर कुछ शॉर्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट डायलॉग बबल के साथ में, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और कमाला अपने टीचर के साथ में बैठ के अपने लाइफ के बारे में डिस्कस कर रही है, वही बच्चों वाली यूजुअल बकचोदी। और कुछ शॉर्ट में ये पता चलता है कि कमाला अपने आप को कैसे कैप्टन मार्वल की तरह इमेजिन करती है। और फिर एक पुराने से घर में उसको कंगन मिलते हैं और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओरिजिन बदल देती है। और पहले मुझे एक बात बताओ कि ये मार्वल वालों का कंगन के साथ में क्या ऑब्जेक्शन है, पहले शैंग-ची और अब ये। खैर उन्हें पहनने के बाद में कमाला को कुछ अलग अलग विजन आते हैं और अजीब अजीब चीजें होती है। ऑफकोर्स वो ये बात अपने फैमिली से छुपाती है। और फिर एक शॉट में एक स्टोर में धमाका होता है, जिसे देखकर मुझे ल्यूक केज की वेब सीरीज और स्पाइडरमैन की याद आती है। न्यूयॉर्क में धंधा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है यार। कमाला को कॉस्मिक पावर फील होती है और कुछ शॉट में ये पावर उसे यूज करते हुए भी दिखाया जाता है। और कुछ ज्यादा बताया नहीं इस ट्रेलर में, कुछ विलन के शॉट हैं और बस। बट मैंने कुछ लोगों के ओपिनियन सुने हैं कि क्योंकि मिस मार्वल की पावर रीड रिचर्ड से मिलती है, इसलिए उसकी पावर्स को अलग तरीके से बताया गया है। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोनों की पावर बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मिस मार्वल की पावर्स इनह्यूमन से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ओरिजिन को इतना अलग करने का मेन कारण ये है कि अभी तक एमसीयू में इनह्यूमंस को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, और इसकी पावर समहाउ पावर स्टोन से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने देखा ही है कि पावर स्टोन को बिना किसी वेपन के अभी तक किसी ने भी हार्नेस नहीं किया है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा सिमिलर है कैप्टन मार्वल से, जिसे भी उसकी पावर इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से ही मिली है। पर इसकी पावर को जिस तरीके से बनाया गया है, ये मुझे मजबूर करती कि मैं इसे कंपेयर करूं। और कुछ लोग तो इसे मार्वल का ग्रीन लैंटर्न भी कह रहे हैं, बट मुझे इसकी पावर बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही है बेन 10 के ग्वेन टेनिसन से, सेम पर्पल इफेक्ट, शील्ड्स और हवा में चलते हुए तरीके को देखकर। और यही वो कारण है कि मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। हालांकि मुझे कमाला खान की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, पर उसकी पावर्स के साथ में मुझे कुछ इतना ज्यादा रिलेटेबल फील नहीं हुआ, कुछ बहुत ज्यादा मिसिंग लग रहा है। और सच बात तो ये है कि ओरिजिनल चीज कितनी भी ज्यादा डिफरेंट और अजीब हो, बट उन्हें वैसे ही दिखाना शायद ज्यादा अच्छा लगता, जिन्हें देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट ये मेरा ओपिनियन है और मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा क्या ओपिनियन है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वायरस वानी साइनिंग ऑफ।